वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करें, उसे व्हाइट कर लें और साथ में बेल का आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस स्टार्ट बटन के आइकन को कैसे चेंज करते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल के एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है क्लासिकल सेल। आप यहाँ से देख सकते हैं CLASSIC क्लास SHELL। तो ये नाम सर्च करके आप डायरेक्टली गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ से डबल क्लिक इस पर कर देना है और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। लाइक मीन्स यहाँ से नेक्स्ट करना है, यहाँ आइए एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और ये कम्प्लीटली इंस्टॉल होना चालू हो जाता है। यहाँ एक पॉपअप मेन्यू आती है जिस पर आपको एस पर क्लिक करना है। एस पर क्लिक करने के बाद ये फाइनली अभी इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो चुका है। और अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्लासिकल सेल का एमएस ऑफिस में कुछ खुल के आ चुका है वर्ड में, तो इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली जब आप यहाँ पर जाओगे तो स्टार्ट बटन पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ तीन स्टाइल आता है, देख सकते हैं। क्लासिकल ये वाला स्टाइल है, क्लासिक विथ टू कॉलम्स ये विंडोज 7 का स्टाइल है, तो आप जो भी रखना चाहिए वो रख सकते हैं या फिर रिप्लेस भी बाद में कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ये विंडोज 7 का इसमें कर देता हूँ। तो विंडोज 7 स्टाइल यहाँ पर आपको टिक कर लेना है और यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से रिप्लेस स्टार्ट बटन, यहाँ से दो दिया हुआ है पहले से स्टार्ट बटन, और यहाँ कस्टम स्टार्ट बटन भी लगा सकते हैं। और अगर वो लगा के आप ओके करेंगे तो यहाँ आइकन चेंज हो जाएगा इस स्टार्ट बटन का। और लाइक के इस प्रकार आप टैप करके ओके करोगे तो ऐसा स्टार्ट बटन यहाँ बन जाएगा। तो आप स्टार्ट बटन भी चेंज कर सकते हो। लाइक अब हम इसे रिफ्रेश जब करेंगे और यहाँ जाएंगे स्टार्ट बटन पर तो हमें देखने को मिलेगा विंडोज 7 वाला स्टाइल। तो ये बहुत ही काफ़ी और इंटरेस्टिंग है, तो आप अगर चाहे तो ये कर सकते हैं और अपने स्टार्ट मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।